क्या आपको पता है एक बाइक या फिर स्कूटी का लॉन्च इवेंट कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है और हमें क्या कुछ देखने को मिलता है? तो हे दोस्तों, आप लोग वी फॉर वीडियो। तो बात कुछ ऐसे, मैं रिसेंटली गया था एथर एनर्जी के लॉन्च इवेंट में, जहां पे उन्होंने लॉन्च करी है अपनी न्यू स्कूटी। कौन से वो सबको पता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एक लॉन्च इवेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है और वहाँ पे क्या क्या नया देखने को मिलता है। सब कुछ एक्सपीरियंस कराऊंगा आपको इस वीडियो में, ताकि आप लोग भी एक्सपीरियंस कर पाए एक लॉन्च इवेंट इस वीडियो के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये द ताजमहल होटल लखनऊ का एक ऐसा लग्जरियस होटल जिसमें अपने इंडियन प्लेयर्स रुकते हैं अगर लखनऊ में कोई भी इंटरनेशनल या फिर आईपीएल मैच होता है, और इसी होटल में एथर ने अपना लॉन्च इवेंट रखा है। इससे पहले मैं होटल में एंटर करता, मेरा ध्यान इस एरिया में गया। यहाँ पे तो कई सारी एथर खड़ी हुई है, चार एथर तो अपने एकदम पास है और यहाँ पे चारों तरफ एथर ही एथर है। ऐसा करते हैं जिस एथर का लॉन्च है सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। ये है एथर रिस्टा, और ये इसका लेफ्ट साइड के कंट्रोल्स हैं, काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। और इसके राइट साइड के कंट्रोल, ऐसा करते हैं इसका बूट स्पेस देखते हैं। खुल गई, अरे खुल जा। यहाँ पे इसकी डिग्गी ओपन हो गई है, और ये देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज दिखी कि जो डिग्गी के ऊपर एक कुछ बैग टाइप का है, ये पूरी तरीके से हम लोग इसे बाहर निकाल सकते हैं। और ये कितना ज्यादा यूजफुल होगा ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट है जो कि एथर के साथ आने वाले स्मार्ट हेलमेट को चार्ज करने में मदद करेगा। यहाँ पे इसके डिग्गी की क्षमता 52 लीटर्स की है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। अंदर रजिस्ट्रेशन डेस्क है जहाँ से हमें ये कम्युनिटी का कार्ड मिला है, और इसी के जस्ट बगल में रिंग टॉस का सेटअप लगाया गया है, जहाँ पे बच्चे हो या बूढ़े सब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जीत जाएं, लेकिन किसी को कुछ भी आसानी से नहीं मिल पा रहा यहाँ पे। तब के आपके भाई ने भी अटेम्प्ट ट्राई किया, और कुछ ही अटेम्प्ट में यहाँ पे मैंने फाइनली जीत लिया एक किंडल जॉय। जैसे थोड़ा आगे बढ़े एक और सेटअप मिला जो कि है व्हील स्ट्राइक का, वाओ ये तो मस्त है। फिर आगे नजर पड़ी तो पता लगा यहाँ पे खाने का सेटअप लगेगा, और ये एक्सपीरियंस जोन वही जोन है जहाँ पे हम लोग अभी गाड़ी देख के आ रहे हैं। होटल के एक पोर्शन में हमने ये खूबसूरत ज्वेलरीज देखी। कलर मैन रिस्टा को बिना कलर किए बिना मैं एंटर किया बड़े से ऑडिटोरियम में, जहाँ पे होने वाली है प्रेजेंटेशन, और यहीं पे हो रहा है चाय पानी और नाश्ता। और इन ग्रीन कांच के जार्स में है खस का शरबत। ये आपको कैसा लगता है मुझे जरूर से बताना, मेरे को तो ज्यादा पसंद नहीं आया। तो अभी तक कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं वापस से एक्सपीरियंस जोन की तरफ गया और देखा कितनी सारी भीड़ आ चुकी है। ये एथर का स्मार्ट हेलमेट के अंदर कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप कॉल पिक कर सकते हैं, इसके अंदर स्पीकर्स और माइक हैं, और इवन अगर आपके पीछे कोई बैठा है उसने भी ये हेलमेट पहना है तो इजिली आप उससे बात कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चार्जर लगा हुआ है, सो दिस इज अ वायरलेस चार्जर, द हेलमेट चार्जेस थ्रू वायरलेस, सो यू कैन कनेक्ट दिस थ्रू एनी यूएसबी-सी पीडी चार्जर एंड snap it like this. हेलमेट देखने के बाद मैंने एथर रिस्टा को हल्का सा चला के देखा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, बिल्कुल मेरे एथर 450X से मिलता जुलता लग रहा था। तो यहाँ पे एक सेटअप लगाया गया है जहाँ पे एथर रिस्टा के स्किड कंट्रोल को बताया गया है। तो जमीन पे इन लोगों ने कैरम पाउडर फैलाया हुआ है ताकि दिखा सके कि क्या होगा अगर स्कूटी एक चिकनी सरफेस या फिर गिट्टी और कंकड़ के संपर्क में आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल स्कूटी फिसल जाती है, गिर जाती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एथर रिस्टा क्या करेगा ये देखिएगा ध्यान से। वो आराम से रुक रुक के चल रहा है। जब गाड़ी स्किड होती है तो क्या होता है कि आगे वाला पहिया नॉर्मल स्पीड पे चल रहा होता है, बट ये वाला पहिया बहुत जोर से घूमता है क्योंकि हमारे पास आगे एक सेंसर है और हमारी मोटर इलेक्ट्रिक है तो हमें स्पीड पता है। तो जैसे ये जोर से घूमना चालू होता है हम इसे कंट्रोल तरीके से रोक सकते हैं, ऐसे ही रोड अच्छा हो जाता है, ये पिकअप नॉर्मली ले लेगा। डेमोस्ट्रेशन देख के जैसे ही मैं अंदर गया तो इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी कि अब मेरे पास बैठने के लिए चेयर भी नहीं बची थी।
प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमने यहाँ का नाश्ता एंजॉय किया, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है लोग कितने ज्यादा यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे खाने के इस तरीके के सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉल हैं। तो कैसा लगा ये लॉन्च इवेंट आपको? यहाँ पे सब कुछ तो अच्छा था, एक कमी रह गई भाई, इतने ज्यादा लोग आ गए कि जो खाना था एंड में लूट मार मच गई। मेरे पास वो क्लिप नहीं है, मैं क्या बताऊं कि मैं बिजी था, लेकिन इतने आपको आगे लगेगा होगा कि लोग कितने हैं और खाने के आइटम का स्टॉल कितना बड़ा है। भयंकर लूट मची थी, वेटर आता था लोग उसके ऊपर टूट पड़ते थे, लग ही नहीं रहा कि हम लोग 5-स्टार होटल में, लग रहा है कि सब्जी मंडी में आ गए। तो अगर ऐसा वाले देख रहे हैं तो अगली बार के लिए ये इंप्रूवमेंट ध्यान रखना कि अगर लोग को बुला रहे हो तो जगह भी बड़ी रखना, या फिर खाने का बंदोबस्त भी अच्छे से करना। तो अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस के लिए। टाटा, बाय बाय।